एज यू ऑल नो मेरा टॉपिक पर्सनल फाइनेंस होता है, जिसके लिए मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे बिग टिकट लॉटरी के बारे में जिक्र किया, तो मैंने कहा वाई नॉट टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। बिग टिकट बेसिकली एक लॉटरी है, एज उसके नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत ह्यूज लॉटरी है जो कि अबू धाबी बेस्ड है और मंथली ड्रॉज के अंदर इसमें लोगों के काफ़ी इनाम निकलते हैं। रिसेंटली जो लास्ट जो ड्रॉ हुआ था उसके अंदर 20 मिलियन दिरहम्स का इनाम था इसके अंदर। मैं खुद तो पर्सनली लॉटरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी लक भी आपके साथ हो, तब जाके आपका इतना बड़ा इनाम निकलता है। लेकिन बिग टिकट लॉटरी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आपके अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि आपका इसमें इनाम निकल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनवरी के अंदर जो इसका ड्रॉ था, जनवरी 2021 के अंदर, वो जो बिगेस्ट ड्रॉ था वो 20 मिलियन दिरहम का था। उसके नीचे बहुत सारे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है जो उन्होंने की है डिफरेंट, लाइक 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, आई थिंक, जिसकी बारे में हम आगे बात करते हैं अभी। अब 20 मिलियन दिरहम्स इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 20 मिलियन दिरहम्स इज़ 86 करोड़ और इंडियन रुपीज़ के अंदर अगर देखें तो वो 40 करोड़ के करीब बनता है। बिग टिकट का जो एक टिकट है वो 500 दिरहम्स का कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं और अबू धाबी के अंदर डिफरेंट आउटलेट्स हैं जहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेकिन मुझे, क्योंकि मेरे दोस्त ने वो ड्यूरिंग दीज डेज अबू धाबी आना जाना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम किस तरह इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, और मैं उसका पूरा प्रोसीजर, जो कि बहुत ईजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर। अच्छा, बिफोर गोइंग इन टू द एक्सप्लेनेशन, एक और चीज़ इसके अंदर ये कि 500 दिरहम्स का तो ये बिग टिकट प्राइज़ होता है। इसके साथ आपको ड्रीम कार के नाम से एक और ऑप्शन है जो कि सिर्फ 150 दिरहम्स के टिकट्स हैं वो, और उनको ख़रीद के आप गाड़ी के ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। उस गाड़ी के ड्रॉ के अंदर बेसिकली बहुत अच्छी सुपर कार्स भी निकलती हैं। लास्ट आई थिंक BMW की कोई बहुत अच्छी गाड़ी निकली थी, तो 150 दिरहम के अंदर द कार कैन बी यूज। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम उसका पूरा जो प्रोसेस है वो बताने के, मैं आपको और एक और चीज़ बताऊंगा जिसके अंदर आपको बेसिकली किस तरह आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। इसको इस पूरे प्रोसेस के अंदर कब आपको ये टिकट लेना चाहिए, क्योंकि ये मंथली ड्रॉ होता है, लेकिन कब बेस्ट टाइम है इसको ख़रीदने का, इसके अलावा कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, इसके अलावा किस तरह पूल करके आप ख़रीद सकते हैं इस बिग टिकट को, सो दैट आप 500 दिरहम एक साथ ना खर्च करें, आप लेट्स से चंक्स में ख़रीद लें। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेट्स डिस्कस ऑल टुगेदर। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है और मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। मेरी एनालिसिस रियल लाइफ सिचुएशन और एक्सपीरियंसिस पर बेस करती है, एंड आई मोस्टली फोकस ऑन साउथ एशियन कम्युनिटी, पर्टिकुलरली साउथ एशियन कम्युनिटी लिविंग इन द गल्फ। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे एक जानने वाले थे जो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स, he is not tech savvy, तो उन्होंने मुझसे पता किया कि ये बिग टिकट लॉटरी जो है, अगर इसको हमें खरीदना हो ऑनलाइन, क्योंकि वो अबू धाबी में फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, तो वो किस तरह ले सकते हैं। बाय द वे, आप अबू धाबी में क्या, UAE में क्या, आप कहीं भी दुनिया में हो आप इसको खरीद सकते हैं। जस्ट यू नीड अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और आप उसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन और ये कैसे खरीदते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी ज़रा हम देखते हैं कि पास्ट के अंदर, लास्ट ईयर और उससे पहले, किस तरह और कितने इसमें इनाम निकले, दोनों में, कैश प्राइसेस भी और कार प्राइसेस भी। तो ये सारी डिटेल्स, लेट्स सी हाउ इट वाज इन पास्ट। अच्छा, purchasing a ticket, the ticket is very easy. Let's discuss about the ticket purchasing procedure. ये मैं आपको एक मोबाइल के ऊपर करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम अगर इसको सर्च करें इंटरनेट के ऊपर तो आपको बिग टिकट अबू धाबी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से इसकी वेबसाइट। आप इसकी वेबसाइट पर जाएँ, क्लिक करें इसको और बाय टिकट्स के अंदर चले जाएं, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पर, और अपना ईमेल एड्रेस से रजिस्टर कराएं इसको। अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। आप देखेंगे इसके अंदर कि लिस्ट डाउन के अंदर सारे कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, तो किसी भी जगह पर होंगे कोई मसला नहीं है। आप वहाँ का नंबर दें, उसका नंबर देकर आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप इन करें। ईमेल एड्रेस के बाद आपको नेक्स्ट होगा कि सिक्योरिटी कोड आपको डालना होगा। सिक्योरिटी कोड डालें इसके अंदर, जो सामने नज़र आ रहा है वो सामने नज़र आएगा सिक्योरिटी कोड, और उसके बाद अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको एक अच्छा, इसमें एक इशू आया था, सिक्योरिटी कोड गलत डाला था मैंने। अभी सिक्योरिटी कोड सही डाल रहा हूँ मैं। ये सिक्योरिटी कोड सही डालने के बाद आप रजिस्टर होंगे, आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आपके पास एसएमएस के थ्रू आएगा, तो सही नंबर डालिएगा। ओटीपी आया आपके पास, आपने वो एंटर किया। जैसे ही वो एंटर करेंगे आपको वो रजिस्ट्रेशन के फर्दर स्टेप पे ले जाएगा। तो उसमें काफ़ी लंबा फॉर्म है, उसके अंदर आपको यूज़र नेम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें डालनी है इसके अंदर। और इसके अलावा आपको पासपोर्ट नंबर या एमिरेट्स आई डी जो भी आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, पासवर्ड भी डालना है जो आप सेट करेंगे यहाँ पर, और डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और नेशनैलिटी, और ये सारी चीज़ें आप डालें, फिल करें जैसे नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर फिल करते हैं। और उसके बाद आपको आप चाहे दुनिया में कहीं भी हो, मतलब यहाँ मैं दुबई का एड्रेस डाल रहा हूँ लेकिन कहीं भी आप डाल सकते हो उसको। आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको कंफर्मेशन की एसएमएस आ जाएगी रजिस्ट्रेशन की, और ईमेल भी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको वेरीफाई करनी है अपनी ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस पे आप जाएं, ईमेल एड्रेस खोलें और वहाँ पर एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करें तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी। अब आप देखें कि इन्होंने जो है ना आपको बूथ ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों से वेरीफाई कर लिया है। अब आप अगेन लॉगिन करें, जब वेरीफाई हो जाए तो लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपके पास ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के अंदर अगेन बाय टिकट्स पे आप जाएं। बाय टिकट्स के अंदर जाएंगे तो आपके पास, मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ जो बिग टिकट है, बिग टिकट के अंदर आप लेट से तीन ख़रीद लें इस दफ़ा टिकट्स आप, और तीन की जगह आप पे करेंगे 1500 की जगह 1000 दिरहम। तो आप ये तीनों को, क्योंकि बाय टू और गेट वन फ्री है, तो 1000 दिरहम के अंदर आपको ये ऑर्डर हो जाएगा और एंड दैट्स इट, आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। चेकआउट के अंदर आपको ऑप्शन होगा कि आप भले इसको कैश में लेना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, तो वो कर सकते हैं, वरना क्रेडिट कार्ड से पे करें आप इसको। क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे आप। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 टिकट्स लिए हमने 1000 दिरहम के, तो आपको बाय वन गेट वन के अंदर एक मिला है। अच्छा, दूसरा ये कि आप इसके अंदर गाड़ी भी, इसी तरह गाड़ी के लिए भी टिकट ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, टिकट परचेज करना तो बहुत ही आसान था। आप लेट से कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेकर आप वो प्रोसेस में जा सकते हैं। किसी का भी लेट से अपने दोस्त का, जिसको आप कैश देते हैं, अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है या आप नहीं कर सकते, तो आप किसी का और का यूज़ करके आप उसको ख़रीद सकते हैं अपने नाम पर। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको ख़रीदना कब है। आप इसको इसके ड्रॉज हमेशा 3rd ऑफ एवरी मंथ होते हैं, तो द बेस्ट टाइम टू बाय दिस इज़ 1st और 2nd ऑफ एवरी मंथ। द रीज़न बीइंग, आप अगर लेट से 4th या 5th को ख़रीदेंगे तो पूरा महीने की साइकिल होगी, आपका क्रेडिट कार्ड भी, आपका बिल जनरेट हो जाएगा उसके अंदर। तो आपको एक लेट से आप 1st या 2nd को लेते हैं तो आपके पास बहुत लंबा टाइम होगा उसको पे बैक करने का, तो आप अपने अमाउंट को भी रोल कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम टू बाय दिस इज़ 1st और 2nd ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसके अंदर अगर आप एक से ज़्यादा टिकट खरीदना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 टिकट्स लें, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ प्रमोशन ऑफ बाय 2 गेट 1 फ्री। सो बेसिकली 1000 दिरहम के अंदर आपको 3 टिकट्स मिलेंगे। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सिंगल ट्रांजैक्शन होगी, और इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि आपने एक टिकट लिया, उसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन में दूसरा टिकट लिया, तो आपको दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ करनी पड़ेगी। सो व्हाट यू से, ड्रीम कार और बिग टिकट। मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड भी होगा, तो ड्रीम कार से ज़्यादा अच्छा कैश रिवॉर्ड है। अच्छा, उसके अंदर एक और चीज़, मुझसे मेरे दोस्त पूछ भी रहे थे कि इस तरह कर सकते हैं कि हम पूल कर लें, तो पूल करने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं। लेट से आपके पास 500 दिरहम्स नहीं है, तो आप बेहतर यह है कि आप अपने दोस्तों का एक पूल बनाएं। आई थिंक उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी लिखना चाहिए, क्योंकि लेट से किसी एक का नाम निकला तो फिर वो बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो उसमें जो है ना, आप लेट से 10 लोगों का एक ग्रुप हो या 5 लोगों का ग्रुप हो, वो पैसे जमा करके एक टिकट खरीद लें, तो वो आपके पास 500 दिरहम की जगह 50 दिरहम्स या लेट से 100 दिरहम का पर पर्सन कॉस्ट आएगी, और एक बंदे का निकलेगा तो ऑफकोर्स वो डिवाइड हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने कहा बता दूं आपको कि इसके अंदर आप इस तरह भी कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसको एज सच बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये कि अगर किसी को लेना है और अपनी किस्मत आजमानी है तो इसका तरीका ये है, और इसके लिए जो चांसेस बढ़ाने का तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और चैनल की सपोर्ट के लिए शेयर भी करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।